हेलो प्यारे बच्चों और साथी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जूनियर का मास्टर में। आज हम बात करेंगे कक्षा दो की पाठ पुस्तक गिनतारा, जिसमें पाठ एक है हमारी संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पहले पाठ में एक स्कूल दिया हुआ है जिसमें कुछ झंडियाँ लगी हुई हैं और मैदान में बच्चे खेल रहे हैं या किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। झंडियाँ हम लोग कब लगाते हैं? जब हमारे स्कूल में 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है या 2 अक्टूबर होता है, तो हम लोग अपने स्कूल में क्या लगाते हैं? झंडियाँ लगाते हैं और बैलून लगाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं और अपने स्कूल को सजाते हैं। तो चलिए, आज खेल खेल में हम लोग सीखते हैं कि जो हम लोग झंडियाँ लगाते हैं, जो गुब्बारे सजाते हैं, उनसे हम गिनतियाँ कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। विद्यालय में प्रवेश उत्सव है। प्रवेश उत्सव का मतलब होता है कि जब हम स्कूल में नाम लिखाने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम बिल्कुल छोटे होते हैं, पहली पहली बार स्कूल गए होते हैं, तो हमें स्कूल में क्या अच्छा लगता है? वहाँ के रंग बिरंगे फूल, वहाँ पे खिलौने, वहाँ की मेज कुर्सियाँ, तो और जो वहाँ के शिक्षक होते हैं वो स्कूल को सजाते हैं, और जो पुराने बच्चे होते हैं वहाँ पे, जो पहले पढ़ रहे होते हैं, वो नए बच्चों का स्वागत करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, प्रवेश लेने वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा। तभी रूबी को उपाय सूझा, हम लोग कागज की झंडियाँ बनाएंगे, इन झंडियों से लड़ियाँ बनाएंगे, प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ हों, इन लड़ियों से हम सब अपनी कक्षा एवं मैदान सजाएंगे। चलिए देखते हैं कि एक लड़ी और झंडियाँ क्या क्या हैं, दो लड़ियों में कितनी झंडियाँ होंगी, तीन लड़ियों में और चार झंडियों हों तो कितनी झंडियाँ बनेंगी। इसी प्रकार के छोटे छोटे से खेल खेल में सीखने वाली मैथ की यानी गणित की गतिविधियाँ सीखते हैं। चलिए देखते हैं, 10 झंडियों की एक लड़ी। एक लड़ी का मतलब है कि अगर डोरी से हम बांधते हैं तो एक लड़ी में 10 झंडियाँ हमें लगानी हैं। तो चलिए झंडियाँ लगाना शुरू करते हैं। ये आपकी लड़ी यानी डोरी है और इस डोरी में चलिए झंडियाँ लगाना शुरू करते हैं। एक झंडी, दूसरी झंडी, तीसरी झंडी, चौथी झंडी, पांचवी झंडी, छठी झंडी, सातवीं झंडी, आठवीं झंडी, नवीं झंडी और ये रही आपकी दसवीं झंडी। इस प्रकार हमने एक लड़ी तैयार कर ली है जिसमें हमारी कितनी झंडियाँ लगी हैं? कुल 10। अब चलिए 10 झंडियों की दूसरी लड़ी तैयार करते हैं। ये आपकी डोरी रही जिसमें आप लड़ी कहते हैं। 11वीं झंडी, 12वीं झंडी, 13वीं झंडी, 14वीं झंडी, 15वीं झंडी, 16वीं झंडी, 17वीं झंडी, 18वीं झंडी, 19वीं झंडी और ये आपकी कौन सी रही? 20वीं झंडी। इसका मतलब बच्चों आप समझिए कि हमारे पास एक लड़ी 10 झंडी की है और दूसरी लड़ी भी 10 झंडी की है, तो हमारे पास कुल कितनी झंडियां हो गई? हम जोड़ देंगे तो 2 लड़ियां हो गई और 2 लड़ियों में कुल हमारी कितनी झंडियां होंगी? ये एक और एक जोड़ा तो कितनी हो गई? 2 लड़ी हो गई और ये 10 और 10 झंडियां जोड़ी तो हमारी कितनी झंडियां हो गई? 20 झंडियां। यानी कि 2 लड़ियों में कितनी झंडियां हुई? 20 झंडियां हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो हमने क्या जाना कि दो लड़ियों में 20 झंडियां होंगी। चलिए आगे देखते हैं, तीन लड़ियों में और चार झंडियां और भी हों तो हमारे पास कुल कितनी झंडियां होंगी। चलिए गिनना शुरू करते हैं। ये आपकी लड़ी हो गई, एक झंडी, दो झंडी, तीन झंडी, चार झंडी, पांच झंडी, छठी झंडी, सातवीं झंडी, आठवीं झंडी, नवीं झंडी, दसवीं झंडी। ये दूसरी आपकी लड़ी है, इसमें चलिए गिनते हैं, ग्यारहवीं झंडी, बारहवीं झंडी, तेरहवीं झंडी, चौदहवीं झंडी, पंद्रहवीं झंडी, सोलहवीं झंडी, सत्रहवीं झंडी, अठारहवीं झंडी, उन्नीसवीं झंडी और ये आपकी बीसवीं झंडी। चलिए तीसरी लड़ी की शुरुआत करते हैं। ये तीसरी लड़ी आपकी है, इसमें चलिए झंडियाँ गिनते हैं। ये आपकी इक्कीसवीं झंडी, ये आपकी बाईसवीं झंडी, ये आपकी तेईसवीं झंडी, ये आपकी चौबीसवीं झंडी, ये आपकी पच्चीसवीं झंडी, ये आपकी छब्बीसवीं झंडी, ये आपकी सत्ताईसवीं झंडी और ये आपकी अट्ठाईसवीं झंडी, ये आपकी उनतीसवीं झंडी और ये रही आपकी तीसवीं झंडी। यानी कि आप देख रहे हैं कि तीन लड़ियों में आपकी कुल कितनी झंडियाँ आई, 30। कितनी झंडियाँ लगी, 30 झंडियाँ लगी और चार झंडियाँ हमारे पास और हैं। फिर गिनते हैं, 31वीं झंडी, 32वीं झंडी, 33वीं झंडी और 34वीं झंडी। यानी कि हमारे पास एक लड़ी में 10 झंडियाँ हैं और दूसरी लड़ी में भी 10 झंडियाँ हैं और तीसरी लड़ी में भी 30 झंडियाँ हैं। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, तीन लड़ियों में कितनी झंडियाँ हुई, 30 झंडियाँ हुई और ये चौथी जो लड़ी है आपकी इसमें कितनी झंडियाँ हैं, 4। तो 4 झंडियाँ इसमें हैं तो हमारी कुल कितनी झंडियाँ हो गई, 34 झंडियाँ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक झंडी, दो झंडी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, 10 झंडियाँ हो गई। ये आपकी दूसरी लड़ी है, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं, उन्नीसवीं, बीसवीं, ये आपकी 20 झंडियाँ हो गई। ये आपकी तीसरी लड़ी है, इक्कीसवीं, बाईसवीं, तेईसवीं, चौबीसवीं, पच्चीसवीं, छब्बीसवीं, सत्ताईसवीं, अट्ठाईसवीं, उनतीसवीं और ये 30वीं झंडी हो गई। ये आपकी अगली लड़ी हो गई, इसमें 31वीं और ये 32वीं। यानी कि रजिया ने 32 झंडियाँ बनाई, इसमें 10 झंडियाँ एक लड़ी में, ये देखिए लाल बॉक्स में देखिए, यहाँ पे 20 झंडियाँ दो लड़ी, ये दोनों बॉक्स मिला के देख लीजिए और 30 झंडियाँ तीसरी लड़ी में मिला के हो गई और दो झंडियाँ शेष इस छोटे वाली लड़ी में हैं। तो हमारे पास कुल कितनी झंडियाँ हैं, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ सीखें इकाई, दहाई और सैकड़े का खेल। चलिए अब देखते हैं कि हम इकाई किसको कहते हैं, दहाई किसको कहते हैं और सैकड़ा किसको कहते हैं, कैसे बनता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, माचिस की तीली है। क्या है, माचिस की तीली। कितनी तीलियां हैं, एक तीली है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इकाई। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एक इकाई। चलिए आगे देखते हैं, एक तीली, दो तीली, तीन तीली। कितनी तीलियां हैं, तीन। तो ये हमारी क्या हो गई, तीन इकाई हो गई। कितनी इकाई हो गई, तीन इकाई। चलिए आगे देखते हैं, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली, पांच तीली, छह तीली, सात तीली, आठवीं और ये नवीं। तो हमारे पास कितनी तीलियां हैं, 9 तीलियां हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 9 इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 9 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास बच्चों
अगर 10-10 तीलियों के बंडल हों और कुछ खुली तीलियां हैं, तो चलिए इनसे बनने वाली संख्याएं अब देखते हैं कैसे संख्याएं बनती हैं। ये कितनी तीली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अब आपके पास 10 तीलियां तो आ गईं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 तीलियां यानी कि 10 इकाई हो गईं। और 10 तीलियां आपकी क्या बन गईं? ये देखिए क्या बन गईं, हमारी एक 10 का बंडल बन गईं। क्या बन गईं? 10 का बंडल बन गईं। और एक बंडल जो 10 का बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दहाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बंडल जो बना ये क्या बना हमारा? दहाई का बना। चलिए अब देखते हैं हम दहाई से सैकड़ा कैसे बनाते हैं। ये आपका 10 का एक बंडल है, 10 तीलियों का एक बंडल ये आपका है, 10 तीलियों का दूसरा बंडल ये देखिए, 10 तीलियों का तीसरा बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये चौथा बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये पांचवा बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये छठा बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये सातवा बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये आठवां बंडल देखिए, 10 तीलियों का ये नवा बंडल देखिए और 10 तीलियों का ये दसवां बंडल देखिए। यानी कि 10 बंडल कितने हो गए आपके? 100 तीलियां हो गई। और 100 तीलियों का मतलब क्या हो गया हमारा? 10 बंडल दहाई के कितने हो गए? एक सैकड़ा बने। 10 बंडल में कितनी तीलियां हमारी हो गई? 100। 100 का मतलब क्या हो गया हमारा? एक सैकड़ा। चलिए देखते हैं हमारी संख्याएं कैसे बनती हैं इससे। ये देखिए आपकी किताब में ऐसे चित्र में बंडल दिए हुए हैं और कुछ तीलियां दी हुई हैं खुली हुई। इन तीलियों से हमें आपको संख्याएं सीखनी है। चलिए संख्या सीखना शुरू करते हैं। आओ अब बंडलों और तीलियों की सहायता से आगे की संख्याएं लिखें। ये देखिए बंडल एवं खुली तीलियां, 100-100 के बंडल सैकड़े में कितनी हैं, 10-10 के बंडल में दहाई कितनी है, खुली तीलियां कितनी हैं और जो बंडल में खुली तीलियां हैं वो बंडल उनका मान कितना है और उस मान को संख्या में क्या नाम देंगे और उस संख्या को शब्दों में क्या बोलेंगे, इसको हम सीखेंगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये आपका 10 तीलियों का एक बंडल, ये 10 तीलियों का दूसरा बंडल, ये 10 तीलियों का तीसरा बंडल और ये 10 तीलियों का चौथा बंडल, 10 तीलियों का पांचवा बंडल, 10 तीलियों का छठा बंडल, 10 तीलियों का सातवां बंडल, 10 तीलियों का आठवां बंडल, 10 तीलियों का नवा बंडल और 10 तीलियों का दसवां बंडल। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया? सैकड़ा। एक सैकड़ा बन गया आपका ये तो। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चलिए जल्दी से इसको लिख लेते हैं। कितना सैकड़ा है ये? एक सैकड़ा। और ये देखिए ये क्या है? एक तीली अकेली है, तो ये क्या है हमारी? एक सैकड़ा लिख लिया आपने। और हमारी बंडल, कोई बंडल आपका ऐसा है जो दहाई में बच रहा है? ऐसा हमारे पास कोई बंडल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10-10 के बंडल में दहाई में 0, दहाई का कोई बंडल नहीं है। और बच्चों देख के बताइए आपके पास खुली तीलियां कितनी हैं? एक तीली केवल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? खुली तीलियां इकाई में 1। तो अब हम इसको मान में कैसे लिखेंगे? एक सैकड़ा, 0 दहाई और 1 इकाई। हमारे पास 100 तीलियां थी, 100 तीलियों को क्या बन गया? एक सैकड़ा बन गया। दहाई हमारे पास कोई नहीं थी तो हमने क्या लिखा? 0 दहाई। और एक तीली देखिए ये आपकी अकेली है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एक इकाई। चलिए इसको संख्या में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 101, 101 संख्या में हमने लिख दिया। अब चलिए जानते हैं इस संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे। 101 हम इसको क्या लिखेंगे? 101 है ना बच्चों, कितना आसान। चलिए इसी तरह हम अगला प्रश्न करके देखते हैं।
ये आपके देखिए बंडल खुली तेलियों की एक है, ये 100-100 के बंडल का सैकड़ा है, 10-10 बंडल के दहाई हैं, खुली तेलियाँ इकाई हैं, मान है, संख्या है और इसको शब्दों में हमें लिखना है। ये देखिए आपका ये 10 तेलियों का एक बंडल, 10 तेलियों का दूसरा बंडल, 10 तेलियों का तीसरा बंडल, 10 तेलियों का चौथा बंडल, ये पांचवा बंडल, ये छठा बंडल, ये सातवां बंडल, ये आठवां बंडल, ये नवा बंडल और ये दसवां बंडल। यानी कि आपकी कितने हो गए सैकड़े, एक सैकड़ा आपका ये देखिए तैयार हो गया। अरे वाह, ये आपने बहुत जल्दी सीख लिया। ये कितना है, एक सैकड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक सैकड़ा लिखेंगे। चलिए हमने एक सैकड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई 10-10 के बंडल अलग दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 10-10 के बंडल की दहाई क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। और इसके बाद देखिए हमारे पास खुली तीलियाँ कितनी हैं, एक और दो। हमारे पास केवल दो तीलियाँ खुली हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई। अब देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे मान में। एक सैकड़ा, आपके पास 10 बंडल थे 10-10 तीलियों के, 10 × 10 कितना हो गया, 100, तो एक सैकड़ा हो गया। आपके पास दहाई का कोई बंडल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 0 दहाई लिखेंगे। और आपके पास खुली तीलियां कितनी है, 2 तीलियां हैं, तो क्या लिखेंगे आप, 2 इकाई। तो चलिए संख्या में इसको क्या लिखेंगे, 102, 102। चलिए शब्दों में लिखते इसको हैं, 102। यानी संख्या हमारी क्या बनी, 102। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कितने बंडल कितनी खुली तीलियां, ये संख्या है, ये बंडल हैं, ये खुली तीलियां आपकी हैं इसमें। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं, बंडल एवं खुली तीलियां। 100-100 के कितने बंडल, सैकड़ा में कितना बनेगा, 10-10 के कितने बंडल दहाई में बनेंगे, खुली तीलियां इकाई की कितनी बनेंगी और उसका मान क्या बनेगा और शब्दों में उसको हम क्या लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये कितना लिखा है, 5-4-2, कितना लिखा है, 5-4-2। ये संख्या आपकी है 542, जिसमें आपके 3 अंक हैं। पहला अंक आपका ये इकाई का है, ये आपका दहाई का है और ये अंक आपका किसका है, सैकड़े का है। इकाई में 2 है, दहाई में 4 है और सैकड़े में 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बंडल एवं खुली तीलियां, चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। ये कितना है आपका, 5 सैकड़ा। अब चलिए 5 सैकड़ों को हम बनाते हैं तीलियों में। ये 100 का एक बंडल 1 सैकड़ा, ये 100 का एक बंडल है 2 सैकड़ा, ये 100 का तीसरा बंडल 3 सैकड़ा, ये 100 का चौथा बंडल 4 सैकड़ा और ये 100 का पांचवा बंडल 5 सैकड़ा। कितने सैकड़े हो गए आपके, 5 सैकड़े हो गए। चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे 5। अब चलिए अगला देखते हैं कौन सा अंक है इसमें, मान लिख लिया 5 सैकड़ा। अब देखते हैं अगला कौन सा है हमारा, 4 है। 4 कितना है, दहाई है। यानी कि हमारे पास 4 बंडल किसके हों, 10-10 के बंडल हों। कितने हों, 10-10 के 4 बंडल। चलिए 10 का एक बंडल, 10 का दूसरा बंडल, 10 का तीसरा बंडल और 10 का चौथा बंडल, कितने हो गए हमारे पास, 40 तीलियां। यानी कि 4 दहाई। तो 10-10 के बंडल में हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, 4। हमने 4 लिख दिया, 4 दहाई लिख दी हमने मान में। अब देखते हैं हमारे पास इकाई कितनी है। ये देखिए हरे बॉक्स में देखिए कितना लिखा है, 2 इकाई हैं। यानी कि हमारे पास कितनी तीलियां होंगी, 1 तीली और 2 तीली। ये हमारी क्या है, इकाई है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इकाई वाली कॉलम में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, 2 लिख दिया। इस प्रकार आपने देखा कि हमने 542 को तीलियों में व्यक्त कर लिया है
और इसको शब्दों में क्या लिखेंगे, 542। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अब बताओ कितने बंडल कितनी खुली तीलियां हैं, अगले उदाहरण में देखते हैं। संख्या है, बंडल है एवं खुली तीलियां हैं। 100 के बंडल में सैकड़ा कितने हैं, 10-10 के बंडल में दहाई कितनी है, खुली तीलियों में इकाई कितनी है और इनका मान कितना है, और शब्दों में हम संख्या को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं संख्या हमारी क्या है, 678। हमारी संख्या कितनी है, 678। चलिए अब देखते हैं इसमें हमारा इकाई दहाई सैकड़ा क्या है। 8 हमारा इकाई है, 7 हमारा दहाई है और 6 हमारा सैकड़ा है। चलिए अब करना शुरू करते हैं इसमें तीलियों का खेल। ये कितना है, 6 सैकड़ा है। कितना है, 6 सैकड़ा। तो चलिए सैकड़े से हम बनाना शुरू करते हैं बंडल। ये सैकड़े का एक बंडल, सैकड़े का दो बंडल, सैकड़े का तीन बंडल, सैकड़े का चार बंडल, सैकड़े का पांचवा बंडल और सैकड़े का छठा बंडल। ये देखिए आप 100 के बंडल में सैकड़े वाले इस कॉलम में यहाँ पे जहाँ नीला तीर लगा हुआ है यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 6। यानी कि 100 के 6 बंडल हमारे पास हो गए तीलियों के। अब देखते हैं दहाई में हमारे पास कितनी संख्या है, 7। कितनी संख्या है, 7। इसका मतलब है बच्चों हमें 10-10 के बंडल कितने चाहिए, 7 बंडल चाहिए। तो चलिए 7 बंडल इकट्ठा करते हैं। 10 का एक बंडल है, ये 10 का दूसरा बंडल है, ये 10 का तीसरा बंडल है, ये 10 का चौथा बंडल है, ये 10 का पांचवा बंडल है, ये 10 का छठा बंडल है और ये 10 का सातवां बंडल है। यानी कि 10-10 के बंडल दहाई में कितने हैं हमारे पास, 7। 7 × 10 कितना हो गया, 70। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग हैं इकाई पे, देखते हैं इकाई में कितना अंक है हमारे पास, 8। हमारे पास कितने हैं, 8। तो हमारे पास कितनी तीलियां खुली होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास कितनी तीलियां हैं, 8 तीलियां हैं। और ये 8 तीलियां हमारी कौन सी हैं, इकाई की हैं। तो चलिए इकाई में इसको लिखते हैं। ये देखिए इकाई में हमने कितना लिख दिया, 8। अब देखते हैं इसको हम शब्दों में क्या लिखेंगे, 678। कितना लिखा हमने बच्चों, 678। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उसी प्रकार संख्या, बंडल एवं खुली तीलियां। 100 के बंडल इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। 10-10 के बंडल दहाई बोलेंगे और खुली तीलियों को क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। और इसका मान कितना होगा और शब्दों में संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं संख्या हमारी क्या है। अरे ये तो लिखा है 7, 6, 5। अब देखते हैं इसमें हमारा इकाई क्या है। ये 5 हमारा इकाई है, 6 हमारा दहाई है और 7 हमारा क्या है, सैकड़ा है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे तीलियों में बनाते हैं, तो बड़ा ही रोचक है। चलिए बनाएं। ये सैकड़े में कितना है हमारा, 7। तो हमें सैकड़े के कितने बंडल चाहिए, 7 बंडल चाहिए। 100 के कितने बंडल चाहिए, 7 बंडल। पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, सातवां बंडल, कितने बंडल हो गए, 7। और ये आपका देखिए कितना है, 100 के बंडल में आपने से कितना लिख दिया, 7 सैकड़ा। कितना हो गया आपके, 7 सैकड़े हो गए। अब देखते हैं हम लोग दहाई में कितना है हमारा, 6। तो हमें दहाई में कितने चाहिए, 10-10 के बंडल, 6 बंडल चाहिए। 10 के कितने बंडल, 6 बंडल। चलिए 6 का, 6 में पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, पांचवा और ये छठा बंडल। तो ये 6 बंडल आपके किसके हैं, 10-10 के बंडल के दहाई के बंडल हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे नीले तीर के नीचे, 6। हमने 6 लिख दिया। चलिए अब देखते हैं इकाई में हमारी कितनी संख्या लिखी है। यहाँ पे देखिए हरे बॉक्स में
पांच लिखी है। तो चलिए अब पांच हमें तीलियां दिखानी है, तो पांच तीलियां दिखाते हैं। एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली, और ये कितनी तीली हैं? पांच। तो पांच हमारी तीलियां कितनी हो गई? ये हमारी क्या हैं? खुली तीलियां हैं। तो खुली तीलियां हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ इस नीले तीर के नीचे, यहाँ पे कितना लिखेंगे? पांच। और इस संख्या को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? 765। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ऐसे आपको कितना लिखा है? 903। अब देखते हैं इसमें हमारा इकाई कितना है? तीन है। दहाई कितना? जीरो है। और सैकड़ा कितना है? नौ। अब देखते हैं हमारे कि सैकड़े में हमारे कितने बंडल बनते हैं 100-100 के। चलिए देखते हैं, ये नौ में कितना है हमारा? सैकड़े में नौ लिखा हुआ है। तो सैकड़े का एक बंडल, सैकड़े का दो बंडल, सैकड़े का तीन बंडल, सैकड़े का चार बंडल, सैकड़े का पांच बंडल, सैकड़े का छः बंडल, सैकड़े का सात बंडल, सैकड़े का आठ बंडल, सैकड़े का नौ बंडल। सैकड़े के नौ बंडल हो गए आपके, यानी कि 100-100 के बंडल कितने हो गए? नौ। तो इस नीले तीर के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नौ लिखेंगे। नौ लिख दिया हमने। फिर देखते हैं बच्चों हमारी दहाई कितनी है? दहाई कितनी है आपकी? जीरो। यानी कि 10 का बंडल तो कोई है ही नहीं, तो 10 का बंडल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 10-10 के बंडल नीचे क्या लगा देंगे? कुछ नहीं का निशान। और 10-10 के बंडल नीचे यहाँ पे नीले जो तीर लगाया है इसके नीचे क्या लिखेंगे? जीरो। अब देखते हैं बच्चों हमारी इकाई कितनी है? ये देखिए हरे बॉक्स में कितना लिखा है? तीन लिखा है। यानी कि हमारे पास कितनी तीलियाँ होंगी? तीन। एक तीली, दो तीली और तीन तीली। तीन तीलियाँ हो गई बच्चों हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग खुली तीलियाँ इकाई में कितना लिखेंगे? यहाँ पे देखिए नीले तीर के नीचे तीन। तो हमारी संख्या क्या बनी बच्चों? 903। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। देखो समझो और लिखो 110। अब 110 में बच्चों देखना हमें इसमें क्या है? ये जीरो क्या है हमारा? इकाई है। एक ये हमारा क्या? दहाई है। और ये एक हमारा इधर वाला क्या है? ये सैकड़ा है। चलिए इसको लिखते हैं। हम लोग सैकड़े से शुरुआत करते हैं। ये आपका सैकड़े का पहला अंक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 100। उसके बाद दहाई में हमारा कितना है? यहाँ पे देखिए दहाई पे कितना लिखा है? एक लिखा हुआ है। एक को जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इकाई को एक साथ लेंगे तो कितना हो गया? एक और जीरो को क्या बोलेंगे? 10। तो हमारी संख्या क्या बनी? 110। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। कितना लिखा है? 111। चलिए देखते हैं इसमें हमारी इकाई क्या है। ये एक आपका इकाई का है, ये एक आपका दहाई का है, और ये तीसरा वाला एक आपका सैकड़े का है। अब देखते हैं कि हम इसमें ये एक आपका सैकड़ा है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 100। क्या लिखेंगे? 100। उसके बाद ये देखिए ये एक आपका दहाई का है जो कि जीरो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये इकाई वाले अंक को एक साथ लेंगे। दहाई और इकाई को एक साथ मिलाया तो कितना बन गया हमारा? 11। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 111। अगला अंक देखिए कितना लिखा है? 112। चलिए देखते हैं इसको हैं। दो आपका क्या है? इकाई है। ये एक आपका क्या है? दहाई है। और ये एक आपका ये तीसरा वाला क्या है? ये सैकड़ा है। चलिए लिखना शुरू करते हैं इसको अंकों में। ये देखिए ये आपका क्या है? एक सैकड़ा है। तो सैकड़ों को हम लोग क्या लिखेंगे? 100। 100 लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए ये दहाई है। दहाई का अंक क्या है? ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग जो इकाई में दो लिखा है और एक को एक साथ लेंगे, तो एक और 12 कितना हो गया? 12। ये इसको क्या लिखेंगे? 112। इसी प्रकार हम लोग इन तीन प्रश्नों को अपने हिसाब से जल्दी से हल कर लेंगे। ये आपका 113 लिखा है, ये आपका 114 लिखा है, और ये आपका 115 लिखा हुआ है।
चलिए अब देखते हैं, देखो कौन कितना है। ये इस प्रश्न में देखिए पाँच आपका क्या है, ये इकाई का अंक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाँच इकाई। ये तीन आपका क्या है, ये दहाई का अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन दहाई। और ये दो आपका क्या है, दो सैकड़े का है, तो दो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा कितना लिख गया, दो सैकड़ा, तीन दहाई, पाँच इकाई। चलिए अगला अंक देखते हैं क्या है, ये पाँच, पाँच आपका क्या है, इकाई है, तीन आपका क्या है, दहाई है, और दो ये आपका क्या है, सैकड़ा है। तो पाँच गुणे एक, पाँच गुणे एक को हमने पाँच से, एक से गुणा इसलिए किया क्योंकि एक हमारी इकाई है, तो पाँच एकम पाँच, तो पाँच का स्थानीय मान कितना हो गया, पाँच। फिर ये तीन है, तीन को हमने दहाई यानी दस से गुणा किया, तो तीन गुणे दस कितना हो गया हमारा, तीस, यानी कि तीन का स्थानीय मान कितना हो गया, तीस हो गया। इसी प्रकार बच्चों देखिए, ये दो लिखा है, दो गुणे सौ, दो गुणे सौ बराबर दो सौ, यानी कि दो का स्थानीय मान कितना है, 200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में ही, ये कितना लिखा है, पाँच एक दो, इसमें देखते हैं हमारा कौन सा अंक कौन सा है। ये दो आपका क्या है, इकाई का अंक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे, दो इकाई। ये एक आपका क्या है, ये दहाई का अंक है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दहाई के जगह पे, एक एक दहाई। और पाँच आपका ये क्या है, सैकड़े का अंक है, तो ये हो गया पाँच सैकड़ा, 512। दो आपका ये इकाई का अंक है, तो दो को हम क्या करेंगे, एक से गुणा करेंगे, ये आपका दहाई का अंक है और ये पाँच आपका सैकड़े का अंक है। अब दो को हम लोग किससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे, दो गुणे एक बराबर दो, यानी कि दो का स्थानीय मान कितना हो गया, दो। फिर ये आपका दहाई का अंक कितना लिखा है, एक, एक को दहाई यानी दस से गुणा करेंगे, दहाई में कितना होता है, दस, दस से गुणा किया तो एक गुणे दस बराबर कितना हो गया, दस, यानी कि एक का स्थानीय मान कितना है हमारा, दस है। इसके बाद देखिए ये कितना है आपका, सैकड़े पे पाँच है, तो सैकड़े पे क्या करते हैं हम, है सौ से गुणा करते हैं, तो पाँच गुणे सौ, पाँच गुणे सौ बराबर पाँच सौ, तो पाँच का स्थानीय मान कितना हो गया, पाँच सौ। देखो समझो अंकों को लिखने की विभिन्न पद्धतियाँ। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी किताबों में कुछ अंक अलग अलग लिखे होते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये अंक कैसे कैसे किस भाषा में लिखे जाते हैं। ये पहला आपका देवनागरी अंक है, फिर हिंदी अंक है और अंतर्राष्ट्रीय अंक है। ये शून्य है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं शून्य, और अंग्रेजी अंक में ऐसे लिखते हैं। देवनागरी में एक ऐसे लिखते हैं, हिंदी में एक और अंतर्राष्ट्रीय में एक ऐसे लिखते हैं। देवनागरी अंक में दो ऐसे लिखते हैं, हिंदी में दो ऐसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक में दो को ऐसे लिखते हैं। ये देवनागरी अंक में तीन को ऐसे लिखते हैं, हिंदी अंक को तीन ऐसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक में ऐसे लिखते हैं। ये चार है आपका, ये पाँच है आपका, ये छः है आपका, ये सात है आपका, ये आठ है आपका, ये नौ है आपका। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हम अंकों को हिंदी में और अंग्रेजी में, जैसा कि आप जानते हैं और उसको लिखने का तरीका आपने सीख लिया है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपसे कभी भी आप कोई अंक देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन सा अंक अंतर्राष्ट्रीय अंक में लिखा है और कौन सा अंक हमारा देवनागरी में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ दो, छोटी बड़ी संख्याएं। तब तक के लिए बच्चों और मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।